थोड़ा पेन होगा पर घबराना मत, नो प्रॉब्लम, ट्विंस हैं, एक घंटे में डिलीवरी हो जाएगी। यही है तुम्हारे हस्बैंड? प्रेजेंट मैडम। यू मीन हस्बैंड या रबर बैंड? हस्बैंड बाबा वो मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, पर्सनल, ये मटका मैंने दिया है, बहुत मेहनत की है। आपको कुछ खटका है क्या? इनका ऑपरेशन है, आपकी सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही? चंपा कली, एक घंटे में हम पेरेंट्स बनेंगे दो दो बच्चों के। आई एम आउट। अच्छा, ऊटी के बाद हॉस्पिटल में सर्वे करने आ गए? आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं वही हूँ। हम जानते हैं। मैं तो बस काम से आया था, आप यहाँ कैसे? किसी का पोस्टमार्टम करना था। पापा के सामने तो आप संस्कारों की बीन बजाते हैं, तो फिर ये क्या है? ये बैड हैबिट्स की कैटेगरी में नहीं आता। तो फिर इसे चेंज ओवर कहते हैं। चेंज ओवर? रिलैक्सेशन। और उस ऊटी की ट्रिप का क्या हुआ? काम के लिए ऊटी, रिलैक्स करने के लिए ब्यूटी। मुहूर्त बैंड बजाए तो ऊपर वाला क्या करेगा? अच्छी कहावत है, मतलब जानते हो? यू मीन बैंड बजेगा? नो आइडिया। आइडिया तो मैं देता हूँ। इतनी सुंदर बीवी है आपकी, ये हरकतें क्यों करते हो? टीवी पर चाहे कितनी भी फिल्में देख लो, 70 mm पर देखने का मजा ही अलग है। होम थिएटर आखिर होम थिएटर है, मल्टीप्लेक्स आखिर मल्टीप्लेक्स है। इतना गंदा एक्सप्रेशन क्यों? एक ओपन सीक्रेट बताओ। पत्नी पूजा घर जैसी होती है, उसमें मजा कहाँ, पर गर्लफ्रेंड रिसोर्ट के स्पा जैसी, माइंड बॉडी दोनों फुल रिलैक्स। आदमी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है, सोच क्रिएटिव और माइंड इंटेलिजेंट। सर आप घरवाली को कैसे मैनेज करते हैं? घरवाली को घर में एंट्री मारते ही वो दौड़ के आती है। पद्मा, सारा दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, बॉस की डांट खाकर आधे दिन की छुट्टी ली है। मेरे हुजूर, आपका सुरूर पाकर मेरे दिल को गुरूर आ गया। इतना काफी है, तुम पर लट्टू हो जाएगी, तुम्हारे सारे फेवरेट पकवान बनाएगी। करेले का हलवा भी खाना। मैं हर डिश से थोड़ा थोड़ा लेता हूँ। पद्मा, तुम्हारी कुकिंग में मैजिक का जादू है। इतना बहुत है, तुम पर एकदम फ्लैट हो जाएगी। डार्लिंग, इतना सारा नहीं खा पाऊंगा, पर इसे वेस्ट भी करने का दिल नहीं करता। आप भी ना, खाना गपा गप कैसे खाते हैं मैं बताती हूँ। और फिर वो गपा गप सब चढ़ जाएगी, वो फैट और मैं फिट, वो लेटते ही सो जाएगी और मैं गर्लफ्रेंड के पास। अगर आपकी बीवी को ये सब पता चला तो? उस मंदबुद्धि बेवकूफ में इतनी अकल कहाँ, इस सब की जिम्मेदार तो वो खुद ही है। अच्छा? तुम्हें शौक क्यों लगा? 2 साल से हमारे बच्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा चलो चेकअप करवाते हैं, उसने मना किया, उसने कहा मैं फिट हूँ, तुम ही जाओ अपना खुद का टेस्ट करवाओ। मैंने किया, उस ब्यूटी पे सक्सेस, डबल सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो लेकिन जानवर हो। शराब को सिर्फ देखकर जज करने वाले बेवकूफ, पीने के बाद असली किक्का पता चलता है कि मेरी चंपा की तरह नशीली है या फिर पद्मा की तरह डुप्लीकेट। औरतों को मेरी चंपा कली की तरह हरी भरी होना चाहिए, मेरी पद्मा की तरह नहीं, सूखे चूसे हुए गन्ने की। अच्छा? Yeah! पद्मा भाभी ये कहते हैं आप सूखे गन्ने जैसी हैं। पद्मा तू यहाँ कैसे धमक पड़ी? स्टार्टिंग से यही है। इसने हमारी सारी बातें सुन ली, हर एक शब्द सुन लिया। आप समझे तू, ये ऊटी खूटी गाने जाता था, अब यहाँ खड़ी क्यों है? मार साले को। मम्मी बचाओ। तेरी तो मुझे गन्ना का हम, मैं तेरे गन्ने जैसी लगती हूँ। और वो मल्टीप्लाई को या पूजा करती थी और वो कैश करता था। अपना स्वामी समझती थी, लेकिन तू कर रहा कि मैं अपने से मारूं। आग में तेल क्यों डाल रही हो मोटी? तू मारे कि तो वो मर जाएगा। जाओ मरो। स्नोबॉल में छक्का। तुमसे लाइफ में बहुत कुछ सीखना है बेटा। सॉरी सर, मैं इतना भी महान नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, एक बार फिर से टेस्ट करवा लो, ठीक है? आप क्या फायदा है? ये iPhone 4 है ना? ये ग्लासेस गुची के है ना? ओकले। ओकले। मुझे दोगे? हमने सबसे कह के तो रखा है, लेकिन पक्की तारीख किसी को नहीं बताई है। कोई बात नहीं, चलकर सबको बता देते हैं। हमें जाने की क्या जरूरत है? विक्की चला जाएगा। विक्की? वो फिर कहीं भटक गया तो? हाँ, प्रिया चली जाएगी। ये ठीक रहेगा। अब आएगा मुझे। बेटा मीठा? नहीं आंटी, मैं मीठा नहीं खाता। अच्छा, अब पता चला इतने कड़वे क्यों? मीठा जो नहीं खाते इसकी तो मैं।
थैंक यू। पहले बता कि किस बात से ज्यादा चढ़ती है तेरी बहन। एक नहीं तीन बात बताता हूँ। किसी ने अगर उसे गुलाबो कहा तो उसकी खैर नहीं। चलिए रख और मजे कर। गुलाबो मेरे लिए चिकन लाना। मामू डेंजर। आपको कैसे हुई कब आका? उसी तरफ से ना उतरे। इस तरफ से मना है क्या? उल्लू बनाया? थोड़ा मजाक करने का जी नहीं करता तेरा? जी कर रहा है तो रहा पेटवा दबा दूं। नहीं दबा पाएगा। इट्स नेचुरल। सब जलते हैं मुझसे क्योंकि मेरे जैसा बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्योंकि मेरी बात ही अलग है। चप्पल निकालो जल्दी। 50 रुपए की है चोर बाजार से ली है। अब धो डालो। अरे चप्पलों को नहीं मेरे पैरों को धोना था। सुन रहे क्या? तेरी बेटी है ना? हाँ मालिक। नाम क्या रखा है? हमारी माँ का नाम लतिका। लतिका? ये कैसा नाम है? दूसरों का नाम चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? छे 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 छे। लतिका लतिका का आतील कातिल एकदम परफेक्ट नाम। बढ़िया है ना? पसंद नहीं आया? छोटे लोग छोटी पसंद। ओहो मुझे कॉफी इतना पसंद है ना कि अंकल आप मुझे मुड़वा लेंगे तो मेरी तरह जवान और स्मार्ट लगेंगे। क्या बोल रहे? जस्ट जोकिंग रे बाबा, समझा करो। और बेटा सब ठीक ठाक? तुम बताओ क्या ठूस रहे हो? सिर्फ सांबर खा रहा हूँ। अरे अगर खाली सांबर पियोगे तो कैसे टेस्ट आएगा तुम्हें? नहीं नहीं बस थोड़ा आलू मिलाओ और बाकी सब सब्जियाँ मिलाओ और खा। क्या कर रहे हो? थोड़ा गाजर भी खाओ, पत्ता गोभी भी खाओ, लो ठूसो अपने पेट में। अब ले लिया पापड़ चूरा करके डाल दिया इसमें, देखना अब आएगा मजा। क्या हुआ तुम्हारा? सुम आई नो सबको टेस्टी खाना खाने का हक है। अंकल मेरे लिए भी कुछ बनाओ ना। आई लव यू माई बॉय। तुम्हारे लिए भी मैं कुछ टेस्टी बनाता हूँ। आपका हाथ तो नहीं जल गया? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो आग को पानी में भिगो के पी सकता हूँ। मैं बस अभी हाथ धो के आया। मैं नहीं भिखारी है। पिताजी गुली को कोमा में पहुंचाने वाले को हमने ढूंढ निकाला, आ जाइए। कहाँ है वो? उस कमीने हरामजादे कुत्ते को मेरे सामने लेकर आओ। ए, उसे बाहर निकालो। यकीन नहीं होता इस जोकर ने ऐसा किया होगा। इन्होंने ही मुझे बताया कि मेरी छोटी सी टपली से इनका भाई कोमा में चला गया। कोमा में भी इसे सपने आते होंगे तो मेरे। सिर्फ 1.5 फुट का तो है ये, तुम्हारे जैसे लंबे चौड़े पहलवान भाई को कैसे मारेगा ये? ए, 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 ए। अगर तेरा बेटा पहलवान है तो मैं भी फौलाद की औलाद हूँ, काट के रख दूंगा मेरे घने बालों की कसम। क्या बकरा है ये? मैं फिर पूछता हूँ क्या ये वही आदमी है या फिर इस घर में घुसने का कोई घटिया सीक्रेट प्लान है तुम्हारा? इस 1.5 फुट के जोकर को देखकर मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। नहीं पिताजी ये वही है, आपके सर की कसम। मेरे सिर की कसम खा रहे हो तुम? अगर मुझे पता चला कि ये वो नहीं है तो तुम तीनों भाइयों को जान से मारने से पहले मैं जरा भी नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सर की कसम। कार्तिक ये यहाँ कैसे है? अब तो हम इसका नाम भी नहीं ले सकते। क्या बात है अंकल? अरे कुछ खास बात है, मेरे बेटे को कोमा में पहुंचाने वाला मिल गया। ये लोग? अरे ये सब तो मेरे बेटे हैं, तुम पहले से इन्हें जानते हो? ये आपके बेटे हैं? यही तो मुझे मारना चाहते थे अंकल। नहीं पिताजी। कार्तिक को क्यों मारना चाहते हो तुम? सच बताओ। बात ये है कि पिताजी मैं, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। बता दो। नहीं बता देता हूँ अंकल। सुनिए, इंदू के पापा ने मुझे मारने की सुपारी दी है इन्हें, इसलिए इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हैं। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा।
तुम जानते भी हो कार्तिक कौन है? ये वही नौजवान है जिसने मेरी जान बचाई थी। प्रणाम करो इसे। अरे इट्स ओके इट्स ओके। ओ ये नौटंकी बंद करो और ये बताओ मुझे क्या रोल करना है। लेट होने पर मैं इरिटेट हो जाता हूँ। इस कार्टून कैरेक्टर का क्लाइमैक्स तो सोच रखा मैंने, इसका तो सैलेड बनाकर पार्सल कर दो। मुझे ककड़ी समझाए क्या? लगता है सैलेड बन के ही रहेगा। इस पर मैं क्या बोल रहे हो? क्यों रोका इन्हें? अंकल इसे मारने का हक आपके बेटे को ही मिलना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो, बुल्ली कैसे मार सकता है? वो तो कोमा में है ना। तो फिर उसके ठीक होने तक हम इसे यहीं अपने कैद में रखेंगे। ये नहीं हो सकता। इस मेंटल को देखकर मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ। खुद सेंटिमेंटल है, मुझे मेंटल बोलता है। इसे जान से मारने में क्या मजा है? कोमा से उठकर वो इसे हाथों से मारेगा तब बदला पूरा होगा। क्या बात है कार्तिक, ये हुई ना मर्दों वाली बात। साले ने नहीं चल चलती। चुप रहो। इस बलि के बकरे को खिला पिला कर इतना मोटा कर दो कि इसे हलाल करने के बाद पूरा घर इसके टुकड़ों से भर जाए। ले जाओ इस मेमने को। टच मी नॉट। इज्जत से आ रहा हूँ ना। बाप रे इतने सारे सांड, बीच में फंस गया बेचारा भांड। जिसकी तलाश थी वो तो मिल गया, अब इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दीजिए। अंदर मारो आप। कार्तिक, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम बहुत अच्छे हो कार्तिक। किसी की मदद करने के लिए रिश्तों की नहीं, भावनाओं की जरूरत होती है। थैंक यू दोस्त, ऐन वक्त पर उन कसाईयों को रोका ना होता तो अब तक मेरा कीमा बन चुका होता। वैसे तुम हो कौन? मैं राजू खाता हूँ काजू, कोर्ट का फोर्ट हूँ मैं। लॉयर हो? छोड़ो, लायर। झूठ बोलना मेरी हॉबी है। निर्दोष लोगों को फंसा कर मिलती हरी हरी बॉबी है। उस बुल्ली को कोमा में तुम्ही ने भेजा? मुझसे कॉकरोच तक नहीं मारा जाता, उस बैल को क्या मारूंगा। तो तुमने ऐसा कहा क्यों? पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, वो पेड्डी रेड्डी है, ऐसा उसके बेटों ने मुझे बताया। उन्होंने ये झूठ बोलने के लिए मेरे साथ डील की है। पर डे 1 लाख रुपीस। टोटल 5 लाख मांगे, सोचा 3 लाख तो दे ही देंगे, पर ये गधे 5 दिन के 5 लाख मान ही गए। क्या करें, बेचारे मेंटल है इसलिए 5 में मांग गए। क्या मतलब? हाँ वो पागलों के पागल है। रियली? वो तीनों भी? पेशेंट की बीमारी डॉक्टर ही समझता है। पेशेंट? आई एम कार्तिक, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट? दिखने में तो आर्टिस्ट लगते हो, थोड़े साइकिक भी। लगता है सचमुच किसी मेंटल हॉस्पिटल में आ गया हूं। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो पहले लंबी कहानी सुनो। कोई चॉइस है? 15 साल पहले की बात है, एक सीजन आया था। मैंगो सीजन था? नहीं, शादियों का। पेड्डी रेड्डी अपनी नाबालिग बेटी की शादी करवाने घर से निकले। वो बस गाड़ी में बैठकर रोड पर पहुंचे ही थे कि अचानक एक छोटा सा बच्चा साइकिल चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ सामने से तेजी से आया। ड्राइवर ने सोचा कि शायद साइकिल से गाड़ी को खरोच लग सकती है, इसलिए उसने गाड़ी एक तरफ घुमा ली। उसी वक्त सामने से आती हुई गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। साइकिल से गाड़ी डैमेज न हो जाए इसलिए गाड़ी घुमाई? कौन गधा था वो? खुद पेड्डी रेड्डी। काला गेंडा? एक्सीडेंट में सिर पर चोट लगने की वजह से वो पागल हो गए और बुल्ली रेड्डी उस एक्सीडेंट की वजह से कोमा में गया और शादी कैंसिल हो गई। जिस तरह किसी वायरस से बीमारियां फैलने लगती हैं, वैसे पेड्डी रेड्डी का पागलपन घरवालों में फैल गया। ओहो, बात यही खत्म नहीं हुई। मैंने कहानी का असली ट्विस्ट तो बताया ही नहीं। वो क्या है? एक्चुअली वो साइकिल मैं चला रहा था। डॉक्टर? यस मिस्टर राजू, यस। मेरी वजह से आज पूरा खानदान इस बीमारी से जूझ रहा है। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और साइकियाट्रिस्ट बना ताकि मैं इनके पागलपन का इलाज कर सकूं और इनके कुआरी बेटी की किसी तरह शादी करवा सकूं। इसीलिए मैं यहाँ आया। तो असली कल्प्रिट तुम हो, पर ये मेरी जान के पीछे पड़े हैं। बाहर में गई एक्टिंग में, जा रहा हूँ। मार देंगे तुम्हें। क्या? ये सन की सोचना है कि तुमने बुल्ली को पीटा और वो कोमा में चला गया इसलिए। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं। मैं उन सबको बता दूंगा कि असली जिम्मेदार तुम हो। शौक से बताओ। बता के शौक दूंगा तो दो ना। डरता हूँ क्या? जाओ जाओ, ये लायरा झूठ बोलेगा। गाइस, तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं, कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने, तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया है। कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग फिर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? रुको, समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने, अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। ऑप्शन ए,
पेडी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो, और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंथी को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचा। वेरी गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। डरना मत, हमला होने वाला है। जारी पे हमला जारी, ये मर्द तुम्हें बचाएगा। मैटर खोलो। वो मेरा रेप करना चाहता है। कौन है वो? मेरे सामने आ। मैं हूँ रे। उसे यहाँ भेज। कितने बेशर्म हो। लंच में एक लड़की तो डिनर में दूसरी लड़की। कितनी लड़की की जिंदगी के साथ खेलोगे इस लड़की में? ए सविता भाभी, ये बता, ये तुम्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? कहीं तुम अकेले में इससे तो सपोर्ट नहीं कर रही? इस चिपकली में ऐसा क्या है? इस बॉटल से भी इसकी कम हाइट है रे। ए, तू खामो का मुझ पे शक कर रहा है। मैं चाह के भी इसके साथ कुछ नहीं कर सकता। मेरी एज जानता है 245, एकदम स्टिल वर्जिन। तुम कोला है रे। अभी तक किसी ने छुआ नहीं, समझे? सविता भाभी, खुलिए मेरे ताले की चाबी। छैया छैया करे ताता थैया करे। रुक जा। तू खड़े दिल पे वार नहीं कर सके। रुक जा बाती, या फिर इज्जत गवाती। ये सब फिर हो जाने के बाद। भाभी, 45 साल के गुड़ की डली साड़ी लेकर कहाँ चली? चल चल भाभी। सविता, लिखूंगा तेरे लिए कविता, मिलके खाएंगे पपीता। जब मारी मैं हाथ डाल रहा तू उंगली कर रहा है भतीजा। तू रेप इसका कर रहा है और कपड़े मेरे फाड़ रहा है। कोल्हापुरी मिर्च मेरे होते हुए तू किसी और का रेप कैसे कर सकता है? राजा। सविता भाभी। राजा। सविता भाभी, बीवी भाभी, ये काय साले, तू आज चादरी छोड़कर क्यों चली गई? चोरी जमने से पहले तू मेरे खड़े अरमानों पर पानी फेर कर चली गई। ये क्या किया तेरी वजह से? अरे मार डाला तूने इसे। अरे क्या किया उसको? क्या किया? मार डाला तूने इसे। मैंने इसे नहीं मारा। फूल को भी फूल पे गिरने से मरती है क्या? एक बार छाल पीकर घास पर गिर कर ये कोमा में चली गई थी। देख इसकी कम सिन कोमल नाजुक काया। तुम इसे किस एंगल से कम सिन कह रहे हो? चिंपांजी लेटा हुआ साड़ी पहन के पहले खून करते हो, उसके बाद पंच मारते हो। आज तक जी टीवी, स्टार टीवी, सहारा टीवी, मार्डर। गला फाड़ना बंद करो। न्यूज वाले को मत बुलाओ, पहले इसको ठिकाने लगाओ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जो बोलोगे वही करूँगा। जो कहूँगा करोगे? कसम से तुम्हारी। सविता चलो। रोज रोज वही डांस और वही ठुमके लगा के मैं दिन ब दिन ढलता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैंने नया असिस्टेंट रख लिया है जो इस डांस स्कूल का नया मास्टर भी होगा। मास्टर जी, वो कौन है? उसके घुंघरों की आवाज से बंद द्वार भी खुल जाते हैं। वो जब दोनों हाथों से ताली बजाता है तो नाग भी उसे सलाम करता है। उसकी चाल देख कर लोगों का चाल चलन ठीक हो जाता है। इतना आकर्षक है वो। जवान रहो। गुरुजी की शिष्याओं को मेरा प्रणाम। मास्टर जी, आप इसे नहीं जानते। कल रात मैं इसे अच्छी तरह जान गया हूँ। ये बिल्कुल सीता फल की तरह है, ऊपर से सख्त, अंदर से पिलपिला। थैंक्स फॉर द तारीफ गुरुजी। देखिए मास्टर, श्वेता, मास्टर जी से जबान नहीं लड़ाते, मैं बात नहीं करूँगा। मास्टर जी, हम में से कोई एक ही यहाँ रहेगा। श्वेता, मेरे पास बस का पास है, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, मैं ही कर डी लेता हूँ। मैं सविता भाभी के पास जा रहा हूँ। रुको रुको, अपने आप की नहीं सुन सकते तो क्या हुआ? मेरी तो सुन सकते हो ना? मास्टर, कहीं नहीं जाओ। थैंक यू मास्टर जी। मेरी कसम, तुम भी मत जाओ। तलांग बिटकती है, तलांग बिटकती है, तलांग बिटकती है, तलांग बिटकती है, तलांग बिटकती है। मास्टर जी, इसने मुझे चुम्मी दी। हवाई चुम्मी तूने क्यों दी? आप ही ने मुझे ये पोज सिखाया ना मास्टर, आंख और होंठ का पोज, आंखें ऐसे चलाओ, होंठ ऐसे हिलाओ। बेटी, ये नई कला है, नए गुरु से नई कला सीखो। अब क्या हुआ? मुझे उसकी कमर नहीं दिख रही है। वो क्या तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है? उसे तुम्हारी गोद में बैठ के डांस करने को कहूँ? देखो कट का फायदा मत लो, हाथ में रहो वरना तुम्हारी चमड़ी उखड़। सविता, बेटी आगे आ जाओ। आ जाओ।
मास्टर जी, आपने नैन मट्टे का पोज कहा था, ये टिप टिप पानी बरसा रही है। नया गुरु तुम्हें सिखाएगा चेली। इसका हाथ तो पेस्ट्री की तरह सॉफ्ट है। ये स्टेप ठीक है ना मास्टर जी? तुमने कह दिया तो ठीक है, कंटिन्यू। ओके मास्टर जी, ये कमर ठीक से नहीं हिला रही है। कब से कमर या पानी उम्र या मास्टर, ये स्टेप ठीक है? मुझसे मत पूछो, सही गलत का फैसला तुम ही करो। ये कमर इसे लगे मेरी उम्र। तुमने उसे मारा, कहीं उसने दिल पे ले लिया तो? गुरुजी, आपका नया चेला सुसाइड पॉइंट की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे! किसी मर्द को सुसु करते देख तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे देख रहे हो जैसे रोमांटिक फिल्म देख रहे हो। पलटो, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ोगी? फ्री का शो देखने सारे क्यों आ गए? हमें लगा कि यू सुसाइड। आई सुसाइड? आई नो सुसाइड, आई एम साइनाइड। कोई मुझे टचिंग, ऊपर पहुंचिंग। पर आपके प्यार और अपनेपन के लिए थैंक यू। मैं दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ, डबल थैंक यू, तुमचा सर्वांचा आभार। तुम लोग इतने खुश क्यों हो? वो मर गया क्या? जिंदा हूँ रे। गुरुजी, 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 लगता है आपको मुझे जिंदा देखकर अफसोस हुआ है ना? नहीं 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 नहीं, श्वेता के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग है रे? तुम एकदम थर्ड क्लास हो, फोर्थ क्लास हो, फिफ्थ क्लास भी हो। मैं ना आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, श्वेता के बारे में पूछ रहा हूँ। वो तुम्हें डिलीट कर देना चाहती है। गलत जवाब। तो ये बताओ, यहाँ आने के बाद भी उसने अपने फियांसे को फोन क्यों नहीं किया? जब मैं यहाँ भागता हुआ आया तो वो मैग्नेट की तरह मेरे पीछे भागते क्यों आई? बोलो, 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 बोलो। देवा, इसका कुछ करो, नहीं तो मुझे बहुत कुछ हो जाएगा।